नमस्कार, मैं प्रवीण भिवंदिया आप सभी का NCMS पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी पार्ट 12 लेके आया हूं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, जो अविकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में हम जानकारी लेंगे। अविकारी शब्द वो होते हैं, ठीक है, जो लिंग वचन के अनुसार कहीं भी परिवर्तन नहीं करते। उदाहरण हम देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। अविकारी दो शब्दों से मिलकर बना है। अविकारी शब्द है अ और विकारी, अ और विकारी, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन तथा कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग लिंग यानी होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है, या उसमें लड़की जो रही है रहा है, जो लिंग परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसमें यह शब्द वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। वचन एक व्यक्ति के लिए हो या एक से अधिक व्यक्ति के लिए बहुवचन हो तो भी अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं। यहाँ कारक, ठीक है ना, कारक ने का से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया तो भी यह अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं। ऐसे क्या शब्द होंगे, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। लड़का नम्रता पूर्वक बोलता है। जो नम्रता, जो हरे रंग में जो आपके सामने ये शब्द बने हुए हैं, इन पे ध्यान दीजिए। लड़का नम्रता पूर्वक बोलता है, लड़की नम्रता पूर्वक बोलती है, ठीक है। तो जो नम्रता पूर्वक और नम्रता पूर्वक जो हमारे सामने शब्द आए हैं, ठीक है, इन पे ध्यान दीजिए। शेखर ने आज गीत गाया, शेखर को आज गीत गाना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिंग भी हो चुका है, ठीक है ना, लिंग के कारण भी नम्रता पूर्वक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और ने और को जो कारक के चिन्ह है, इनका प्रयोग चेंज करने पर, इनका परिवर्तन करने पर भी आज और आज शब्द वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तो जो ये शब्द हैं, ठीक है ना, इन शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के परिवर्तन होने के बावजूद भी वह वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, जिनमें कोई भी विकार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही रोचक पाठ है। ऊपर दिए गए वाक्यों के लिंग, लिंग देखे आपने, लड़का लड़की, वचन और कारक ने और को में परिवर्तन करके वाक्य बनाए गए हैं, किंतु नम्रतापूर्वक तथा आद शब्दों पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः यह अविकारी शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज अभी हमारे सामने अविकारी शब्द के बारे में, अब इसकी कुछ एक परिभाषा है, ठीक है ना। हर शब्द की संज्ञा, सर्वनाम, संधि, सबकी अपनी अपनी एक परिभाषा होती है जो हमें उसके बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी देती है। यही एक जानकारी है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन और कारक, ठीक है, इनके कारण ही वाक्य जो रहता है, सेंटेंस जो रहता है, वो पूरा ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिंग वचन और कारक के होने के परिवर्तन होने के बावजूद भी उन शब्दों में कोई भी चेंज या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, जैसे हैं वैसे के वैसे ही वह बने रहते। इसलिए अविकारी, अ यानी होता है नहीं, विकारी यानी उसमें परिवर्तन होने के बावजूद भी वह चेंज नहीं होते हैं। अविकारी शब्द के जो भाग है, जो भेद है, आइए हम पढ़ते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अविकारी शब्द कितने भेद होते हैं, तो अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, फर्स्ट भेद है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया और विशेषण। क्रिया किसी काम करने की दर को क्रिया बोलते हैं, और विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषताओं को बताता है, ठीक है ना, कोई इंसान कैसा है उसके गुण और दोषों दोनों को विवेचना करता है। क्रिया विशेषण किसी कार्य या क्रिया की विशेषता बताई जाती है, दोनों को अगर मिला दे। संबंध बोधक
यानी किसी के संबंध के बारे में जानकारी देते हैं कि यह संबंध, ये मोबाइल मेरा है, ये पेन मेरा है, ठीक है ना, ये डस्टर मेरा है, ये स्कूल मेरी, तो संबंध के बारे में जानकारी देता है। समुच्च बोधक यानी समूह के बारे में रहता है कि मैं एनसी में इस परिवार में रहता हूँ, यह समूह के बारे में, मैं इस ग्रुप में रहता हूँ, मैं कक्षा छठी में पढ़ता हूँ, तो ये समुच्च समूह के बारे में जानकारी दी जाती है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक यानी जिसमें हमारे मन के विचार आश्चर्यचकित भाव से निकले, हे अरे ओ शोक समय अरे नहीं, ठीक है ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो ये विस्मयादि बोधक है। और निपात, ठीक है, निपात की जानकारी होती है कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, मैं तुम जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और भी है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना। पहला हमारा शब्द है, पहला है जो अविकारी शब्द के जो पहला भेद है वो है क्रिया विशेषण। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। वह तेज चलता है, ठीक है ना, वह तेज, जो तेज शब्द है वो क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण। चल तो रहा है लेकिन वो क्या, तेज चल रहा है, तेज चल रहा है यानी वो क्रिया विशेषण है। स्वाति धीरे धीरे काम करती है, ठीक है ना, धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण, जो काम भी चल रहा है लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी क्रिया विशेषण बताइए। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, ठीक है ना, आपने आप घर का नल देखा ही होगा जिसमें बूंद बूंद पानी टपकता ही है, तो ये जितने भी है तेज धीरे धीरे और बूंद बूंद, ठीक है ना, इनके बारे में यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में तेज धीरे धीरे तथा बूंद बूंद शब्द क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बूंद बूंद जैसे शब्द हमारे सामने दे रखे हैं, यह क्रिया विशेषण की विशेषता या उसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, ठीक है, इसे पढ़िए। ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया यानी काम करने की दर, कैसा काम चल रहा है, काम हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी क्रिया से, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, ठीक है, पढ़ना लिखना दौड़ना भागना वो क्रिया है। क्रिया की विशेषता यानी वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, वो बहुत तेज पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे भाग रहा है, तो धीरे शब्द तेज शब्द ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, अब आइए हम उसके भेद, क्रिया विशेषण के भी कुछ पार्ट है, कुछ भाग है, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चार है और ये हमने पढ़े। फर्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्या होता है, ठीक है ना, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीतियां ढंग का पता चले उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया, क्रिया काम के पूर्ण होने का, ठीक है ना, पूर्ण होने का, होने की रीति या ढंग का पता, कि काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना, इसकी जानकारी हमें मिलती है, रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। वह सुखपूर्वक जीवन बिताता है, सारे खिलौने धड़ाधड़ बिक गए, ठीक है ना, यानी इसकी जानकारी क्या होती है, क्रिया कैसे काम कर रही है, काम कैसे हुआ, जल्दी जल्दी हुआ, तेजी से हुआ, ठीक है ना, उस रीति उस विधि के बारे में जानकारी दी जाती है कि विधि या रीति या काम किस प्रकार से किस ढंग से हुआ है, ठीक है ना, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड है स्थानवाचक। स्थानवाचक यानी हमें पता चलता है कि जो स्थान की, जिस जगह हम खड़े हैं उसकी हमें सूचना दी जा रही है, ठीक है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण दे रखा है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है कि वो क्रिया कहाँ हुई है, किस जगह हुई है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित इधर उधर मत झांको, ठीक है ना, कि मोहित तुम का इधर उधर मत देखो, मत झांको, सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, ठीक है ना, आप सड़क पार करते हैं, सड़क पर चल रहे हैं तो भी आपको दोनों तरफ देखकर ही आपको एक रोड क्रॉस करना चाहिए या चलना चाहिए, ठीक है।
अगला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें समय की जानकारी दी जाती है। काल यानी होता है टाइम, ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। पहला होता है वर्तमान काल, फिर भूतकाल और फिर भविष्यकाल, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। समय की जानकारी दे, समय के बारे में बताया जाता है, काम धीरे हुआ, जल्दी हुआ, कब हुआ, ठीक है ना, किस समय हुआ, इसकी जो जानकारी मिलती है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आइए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें उदाहरण, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम जो कल के बारे में बताया गया कि तुम कल कहाँ जाओगे, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। इस समय वर्तमान की बात की जा रही है और कल यानी बताया जा रहा है भविष्यकाल की बात की जा रही है। तो तुम कल कहाँ जाओगे और अभी आपका कहाँ जाना है, तो यह समय की जानकारी दी जा रही है। चलिए आगे हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें परिमाण की जानकारी है, मात्रा की जानकारी दी जाती है। चलिए आइए, क्या है मात्रा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण क्या होती है, मात्रा क्या होती है, ठीक है ना। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको। प्रकाश बहुत बोलता है, ठीक है ना, बहुत कम बोलता है, बहुत बोलता है, यानी इसमें मात्रा बताई जा रही है, ठीक है ना। रात को थोड़ा खाओ, ठीक है ना, रात में जो खाना है, भोजन है, उसे थोड़ा यानी कम खाओ। अब कितना खाओ, इसके परिमाण के संख्यावाचक नहीं बता रही कि रात में दो रोटी खाओ, तो वो संख्यावाचक परिमाण होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसमें परिमाण बताइए, इसमें मात्रा की जानकारी जा रही है, कितना के थोड़ा कम कुछ, ठीक है ना, इसकी जानकारी जो दी जाती है उसे परिमाणवाचक, ठीक है ना, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये हमारे जो है क्रिया विशेषण पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आता है, ठीक है ना, इसमें संबंध बोधक यानी संबंध के बारे में बताया जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये शब्द मुझे लग रहा है कि आपको सही दिख नहीं रहा हो, ठीक है। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये सेंटेंस आपके सामने दे रखे, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, आपके घर के सामने भी एक पेड़ होगा, तो इसमें से मेरे घर के सामने जो शब्द दे रखा है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, कल सोमवार था और आज क्या है, मंगलवार है, तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आता है, ये तो निश्चित ही है। पर के बाद और के सामने शब्द है, यानी सोमवार और मंगलवार में बीच जो संबंध बता रहा है के बाद, ठीक है ना, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। आगे चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में के सामने, ठीक है ना, के सामने या मेरे घर के सामने, जस्ट सामने पेड़, आपके घर के सामने भी होंगे, के बाद यानी सोमवार के बाद क्या मंगलवार आता है, ये तो आना ही है, तो इनके सोमवार और मंगलवार के बीच जो संबंध बता रहा है, ठीक है, के सामने यानी मकान और पेड़ के बीच के जो संबंध बता रहा है उसे ही संबंध बोधक कहा जाता है। के बाद शब्द संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़िए। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, वाक्य की जानकारी दी जाती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दे रखा है यहां पर अर्थ की दृष्टि से संबंध शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें कुछ इस प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से कालवाचक, ठीक है ना, के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, ठीक है ना, कालवाचक भी है, के पहले यानी दो दिन पहले, के बाद एक दिन बाद ही, ठीक है, मेरी स्कूल लग जाएगी, मैं चले जाऊंगा, के आगे, मेरे घर के आगे ही मेरे दोस्त का मकान, तो ये संबंध बताता है, जो समय के साथ ही संबंध बताए जाते हैं। स्थानवाचक यानी स्थान की जानकारी, संबंध के बारे में जानकारी, के बाहर, तो मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, मेरे घर के अंदर टीवी है, के नीचे, ठीक है ना, के मेरे घर के नीचे, ठीक है, बहुत सारी
ठीक कह सकते हैं कि नालियाँ निकलती है, सड़क निकलती है, इस तरह की जानकारी दी जाती है। दिशा सूचक संबंध, यानी दिशा की जानकारी दी जाती है। दिशा आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि दिशा क्या होती है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये सब क्या है, दिशा है। के निकट, के सामने, के चारों ओर आदि, ये दिशा के बारे में जानकारी दी जाती है। हेतुवाचक, हेतु यानी हेतु की जानकारी, कारण बताया जाता है, के कारण, के सिवा, के वास्ते, ठीक है ना, बीमारी के कारण में नहीं आया, ठीक है ना, के सिवा, इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं, के वास्ते, ठीक है, भगवान के वास्ते रुक जाओ, ठीक है, तो इसमें कारण दिया जाता है। विरोध सूचक, ठीक है ना, विरोध सूचक यानी विरोध करना, ठीक है ना, यानी उसके विपरीत करना, के विरुद्ध, ठीक है ना, मैं के सामने वाले टीम के विरुद्ध खेल रहा हूँ, मतलब उसके खिलाफ खेल रहा हूँ, ठीक है ना, पर हम एक है तो अच्छे मित्र, लेकिन दोनों टीम आपस में इनाम पाने, पुरस्कार पाने के लिए खेल रही है, तो के विरुद्ध, के खिलाफ और के उल्टे, तो ये शब्द विरोध सूचक है। सहचर सूचक यानी साथ में, सहचर यानी साथ में रहना, साथ में, के संग, मेरे भाई के संग में वहाँ गई थी, के साथ में, पापा के साथ में गया था, के समेत, मेरे फैमिली के समेत या परिवार के समेत में पावागढ़ गया था, तो सहचर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समता सूचक, समता यानी होता है सबकी समानता की भांति, देखो सामने वाले लड़के कैसा पढ़ता है उसकी भांति तुम भी पढ़ो, सामने वाला लड़का कैसा खेलता है उसकी भांति तुम भी खेलो, इस तरह के माता पिता आपको कहीं ना कहीं गुस्से में बोलते हैं जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो उसके समान कहा गया है, ठीक है ना, बनना है तो श्रवण कुमार की तरह बनो, ठीक है ना, उसके उसके जैसे बनो, कैसे उसने माता पिता की सेवा की, तो इस तरह की बातें होती, के भांति, के दृश्य ना, उसके समान, उसके जैसा, ठीक है ना, तो बनने के लिए कहा जाता है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक में अंतर, ठीक है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक में अंतर होता है, क्या क्या अंतर होता है, देखिए आइए पढ़ते हैं। कुछ कालवाचक और ये ये स्थानवाचक दे रखा है, इसमें माता की चेंज हो गई, कुछ कालवाचक स्थानवाचन क्रिया विशेषण संबंध बोधक होते हैं। इनमें इसमें अंतर यह होता है कि यदि कालवाचक और स्थानवाचक शब्द क्रिया की विशेषता बताएं तो ये क्रिया विशेषण होंगे, और यदि ये वाक्य के शब्द को दूसरे शब्द के साथ संबंध बताएं तो ये संबंध बोधक होंगे, ठीक है, अगर ये विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण होंगे, और ये संबंधों की जानकारी दी जाती है, ठीक है, संबंध की जानकारी, के कारण, के निकट की जानकारी दी जाती है, तो उसे संबंध बोधक कहा जाता है। इन दोनों में बस सिर्फ इतना ही अंतर है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से समझिए और पढ़िए। इसमें दे रखा शिवानी अंदर आओ, ठीक है ना, अंदर आना, घर के अंदर जाना और घर के बाहर जाना, ये दोनों क्रिया है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप खा रहे हैं, यहाँ तक कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक क्रिया है, ठीक है ना, शिवानी अंदर आओ, ठीक है ना। संबंध बोधक घर के अंदर पिता है, के अंदर यानी घर के अंदर क्या है, पिता है, तो ये क्या, घर के अंदर जो के अंदर जो शब्द है संबंध बोधक है। कुत्ता पीछे चल रहा है, यानी पीछे यानी इसमें जानकारी दी जाती है कि हमारा जो कुत्ता है वो क्या पीछे चल रहा है। अब ये मकान के पीछे गौशाला है, यानी उनका जो मकान है उसके पीछे है जो गाय के रहने का स्थान है यानी गौशाला है, तो उसे हम के पीछे ने संबंध बताया जा रहा है, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। अगला आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक उसे कहा जाता है जो समुच्चय ने समूह की जानकारी दी जाती है। चलिए आगे आइए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, ठीक है, पढ़ते हैं। तनिष्का और जूही शतरंज खेल रही है, ठीक है ना, तनिष्का और जूही क्या खेल रही है, शतरंज, चेस खेल रही है। आप चाय पियेंगे या कॉफी, शरबत, सॉरी, आप चाय पियेंगे या शरबत। कार्दिक व्यायाम करता है इसलिए स्वस्थ रहता है। अब इसलिए या और ये क्या है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में और, या तथा इसलिए शब्द संज्ञा शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्य क्या है, आप चाय पियेंगे, ये एक अलग है, और शरबत, ठीक है, ये वाक्य अलग है वाक्यांश है, तो इनको जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, तनिष्का और जूही, या कार्तिक व्यायाम करता है और इसलिए वो स्वस्थ रहता है, तो ये स्वस्थ रहता है, कार्तिक व्यायाम करता है, इन शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है ना, तो इन्हें ही समुच्चय बोधक कहा गया है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे अविकारी शब्द
जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्य अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। शब्दों को, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं यानी दो शब्द हम कह सकते हैं तनिष्का और जूही, ये हमारे दो शब्द हैं। वाक्यांश को जोड़ रहे हैं तो वाक्यांश हमारे हैं आप चाय पियेंगे या शरबत, ये वाक्यांश, ये वाक्यांश है। और वाक्य ये है कि कार्तिक व्यायाम करता है, ये सेंटेंस है, स्वस्थ रहता है, तो ये हमारे वाक्य उपवाक्य हो गए। तो इनको जो जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें ही समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। चलिए आइए समुच्चय बोधक शब्द के भेद। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण और व्याधिकरण क्या है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही स्थिति दो शब्दों या दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं तो समानाधिकरण कह रहे हैं। समानाधिकरण दो शब्दों को, दो वाक्यों को समान स्थिति में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सोनू तथा रोहित दोनों भाई है, सोनू और रोहित दोनों क्या है, भाई है, तो सोनू और रोहित को जो जोड़ा गया है वह तथा जोड़ा गया है, ठीक है। जल्दी चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो या अन्यथा गाड़ी क्या है स्टेशन से निकल जाएगी। तो इन तथा और अन्य शब्द जोड़े गए उन्हें समानाधिकरण हम के समुच्चय बोधक कहा गया है। चलिए आए समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द चार प्रकार के होते हैं, इसके भी चार भाग है। पहला भाग है संयोजक। संयोजक का अर्थ क्या है, दो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, जैसे और, तथा, वह, अर्थात, एवं, ठीक है। तो यह क्या है, यह वाक्य उपवाक्य शब्दों को जोड़ता है तो इन्हें संयोजक बोलते हैं। विकल्प, विकल्प है ना, दो में से किसी एक का चुनाव करना, ठीक है ना, दो में से, तीन में से, चार में से किसी एक का सही का चुनाव करना ही हमें विकल्प कहलाता है। अथवा, ठीक है ना, मैं ये गाड़ी लूँ या ये गाड़ी लूँ, ठीक है ना, अन्यथा, ठीक है, या चाहे, ठीक है, जैसे ये शब्द है ये विकल्प है। विरोध सूचक, विरोध सूचक है ना, इसके विपरीत शब्द बोलना, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ठीक है ना, लेकिन कह सकते हैं कि जो लेकिन है, मगर है, किंतु, ये विरोध सूचक जानकारी देता है। परिमाण सूचक यानी हमें किसी परिमाण के बारे में जानने, मात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि, इसलिए, नहीं तो, अतः, ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये परिमाण की जानकारी दी जाती है। सेकेंड है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, एक से, एक या एक से अधिक वाक्यों को, आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, शालिनी गई, चली गई क्योंकि उसे कोई काम था। जो शालिनी थी वो चली गई, क्यों गई है, क्योंकि उससे कोई काम था। जो क्योंकि शब्द है ये क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। यदि पापा आ जाते तो घुमाने ले जाते, तो और क्योंकि जो शब्द है ये क्या है, व्याधिकरण शब्द इन्हें कहा गया है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, इनके भी चार पार्ट है। जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार पार्ट थे, वैसे व्याधिकरण के भी चार पार्ट है, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। चलिए आइए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हेतु बोधक कहा गया है, जिसमें हेतु बोधक क्योंकि, चूंकि, की और जो कि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का संकेत यानी संकेत की जानकारी दी जाती है, जो तो, यज्ञपि, तथापि आदि शब्द बोले जाते हैं। स्वरूप बोधक की, जैसे, अर्थात, जैसे बताया जाता है। उद्देश्य बोधक इन उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, लक्ष्य के, की, जो, जिससे और ताकि, ठीक है ना, ये व्याधिकरण के पार्ट है। विस्मयादि बोधक, अब विस्मयादि बोधक यानी होता है मन के विकार एकदम से आश्चर्य के साथ में प्रकट होना, ओह आह जैसे शब्द हम बोलते हैं तो विस्मयादि बोधक बोलते हैं। चलिए आए, वाह कितना सुंदर फूल है, आप कोई बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वाह कितना अच्छा मोबाइल है, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, तो ये शब्द हमारे मन से एकदम से तेजी से मन के भाव उमड़ते हैं, उसमें विस्मयादि बोधक बोलते हैं। बाप रे कितना बड़ा सांप है, आप सांप देखा होगा तो आपका मुंह बिल्कुल फटाक फटा रह जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, बाप रे कितना बड़ा सांप है, शाबाश ऐसे ही मेहनत करते रहो,
ठीक है ना, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हो तो रिजल्ट अपने पापा को दिखाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होकर आपकी पीठ ठोकते हैं, कहते हैं शाबाश और अच्छे से पढ़ाई करो। ऊपर दिए गए वाक्यों में वाह, बाप रे तथा शाबाश शब्द मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः यह शब्द विस्म्यादि बोधक है। क्या है? मन के विभिन्न भावों, मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हर्ष, हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी, क्रोध, गुस्सा, प्रशंसा यानी तारीफ, विस्मय यानी आश्चर्य, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत, मनोभावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्म्यादि बोधक शब्द कहलाते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले कुछ विस्म्यादि बोधक शब्द दे रखे, चलिए आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। मन के भाव हर्ष बोधक, हर्ष यानी प्रशंसा होती है, आहा वाह वाह बहुत खूब धन्य, ठीक है ना, बहुत अच्छा पढ़ाई करी, बहुत अच्छे पढ़े, तुम जीत गए, हम इंडिया मैच जीत गया, मजा आ गया। तो जिस शब्द है हर्ष बोधक, विस्म्यादि बोधक यानी आश्चर्य, ठीक है ना, अरे वो पास हो गया, अरे वो बहुत अच्छे नंबर लाए, अरे वो गिर गया, जिस शब्द प्रयोग कहते हैं आश्चर्य, उन्हें अरे सच है क्या, जिस शब्द उसमें विस्म्यादि बोलते। शोक बोधक यानी दुख होता है, ठीक है ना, हाय, ठीक है ना, हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, हा ओ उफ मैं गिर गई, ठीक है, मुझे लग गया, ठीक है, शब्द होते हैं ये शोक बोधक शब्द बोधक। प्रशंसा बोधक, ठीक है ना, प्रशंसा बोधक यानी आपकी तारीफ की जाती है, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत अच्छा काम किया, वाह वाह शाबाश बहुत बढ़िया। क्रोध बोधक यानी गुस्से में बोले गए शब्द, ठीक है ना, अबे अरे हट चुप हो जाओ, ठीक है, जैसे शब्द बोले जाते हैं तो इन्हें क्रोध बोधक शब्द बोलते हैं। घृणा, ठीक है ना, घृणा यानी किसी से नफरत करना, ठीक है ना, किसी से अच्छे व्यवहार नहीं करना, गुस्सा करना, तो उसे नफरत ओफ, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ओफ ये कहाँ आ गया, छी छी, ठीक है ना, कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है, ठीक है ना, ये धत, ठीक है ना, ये शब्द हम बोलते जाते हैं वो घृणा होते। चेतावनी, किसी को हम चेतावनी देते हैं, खबरदार, ठीक है ना, आगे मत बढ़ो, ठीक है ना, बचो, सावधान, ठीक है ना, आगे पुलिया है, आगे खतरनाक मोड़ है, तो ऐसे शब्द की जानकारी उसे हम चेतावनी बोलते हैं। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति यानी हमें जो चीज़ें हमें मंजूर होती है उसके, जी हाँ 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 ठीक है, ठीक है, जी जी सर मैं कर लूँगा, हाँ सर मैं कर लूँगा, होमवर्क कल करके लाओ, तो उसे स्वीकृति बोधक बोलते। अब है निपात, निपात की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना, निपात जैसा कि मैंने आपको समझाया नहीं था तो हम इसमें पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है ना, तो जो भी शब्द है मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, जैसे आपके भाई को, छोटे भाई को आइसक्रीम दी जाती है या कोई आइसक्रीम को बच्चा खाता है तो आप भी बोलते हैं मम्मी मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है, तो जो शब्द है मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, तो जो भी शब्द है उन्हें निपात बोलते। कुणाल दिन भर पढ़ता है, जो कुणाल है वो क्या करता है कि दिन भर पढ़ता रहता है, तो जो भर शब्द है वह निपात कहा जाता है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में भी तथा भर शब्द में व दिन में व दिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उन पर विशेष प्रकार बल दे रहे उन्हें निपात कहते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, ठीक है, ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में जुड़कर शब्द वाक्य को या शब्दांश को विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। केवल, ही, तक और तो ये हमने जो अविकारी शब्द है जो हमारा पार्ट 12 है वो आज हमने पढ़ा, और आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझ में भी आया होगा ऐसा मैंने प्रयास किया। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, ये वीडियो आप देखिए और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कीजिए। ये हमारा जो आज परीक्षा का जो सिलेबस है, जो PT 3rd का जो सिलेबस है, ये आज हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हमने दे रखे हैं, आपको सिलेबस आपके पास पहुंच गया है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और उन्हें करने उन्हीं में से ही प्रश्न जो 9 से 12 जो दे रखे, वसंत में भी पार्ट 9 से 12 आएगा और हिंद जो हमारी ग्रामर है उसमें भी पार्ट 9 से 12 आएगा। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं वो आप करिए, पाठ में से भी अच्छे से याद कीजिए, कुछ उदाहरण पाठ में से भी आ सकते हैं। और जो मैंने आपको करने के लिए होमवर्क दिया था ऐसा नहीं कि उन्हें भी छोड़ देना है, उन्हें भी आपको अच्छे से करना है। तो इसके लिए आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।